बैलगाड़ी रेस प्रेमियों और किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र सरकार के प्रयास से बैलगाड़ी दौड़ को आखिरकार अनुमति मिल गई है। बैलगाड़ी प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पशुपालन, डेयरी व्यवसाय एवं खेल युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि प्रदेश के बैलगाड़ी प्रेमियों से बैलगाड़ी दौड़ का वादा किया गया था, जो आज हाल ही में पूरा हो गया है और मैं इस निर्णय से संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। देखिए रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि पिछले 4 वर्ष से बैलगाड़ी दौड़ बंद है। अदालत में किसानों का बचाव करते हुए सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ प्रेमियों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि राज्य में बैलगाड़ी दौड़ किसानों के लिए एक गर्म विषय बन गया था। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैलों पर निर्भर है। बैलगाड़ी दौड़ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी एवं अधिवक्ता सचिन पाटिल ने तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के पक्ष सुने। बैलगाड़ी दौड़ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र बैल दौड़ अधिनियम 2017 और इसके तहत बनाए गए सभी नियमों के सख्त प्रवर्तन के अधीन महाराष्ट्र राज्यों के लिए समान न्याय मानते हुए श्री केदार ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को हटाते हुए राज्य सरकार ने 1960 के बैलगाड़ी दौड़ के नियमों और विधि नियमों के अनुसार बैलगाड़ी दौड़ शुरू करने की अनुमति दे दी है। आज उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र शेतकऱ्याचा आणि ग्रामीण भागातल्या भूमिपुत्रांच्या मागणीवर कुठेतरी एक चांगला असा सुखद निर्णय दिला, त्याबद्दल मी समाधान आणि त्या ठिकाणी हर्षोल्लास व्यक्त करतो। मागच्या 4 वर्षापासून हे प्रकरण निकाली लागत नव्हतं आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्याला पाठपुरावा केला। आमचे जे ॲडव्होकेट्स आहेत, जो कुंभकोणी साहेब असो की इतर त्यांचे ज्युनियर्स असो, यांनीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने सगळे लॉ पॉईंट्स तयार केले आणि आज ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हात लावण्यासाठी मदत होण्याच्या दृष्टीने हा सुद्धा व्यवसाय सगळ्यात महत्त्वाचा आहे। अलीकडच्या दिवसांमध्ये शेती ही ट्रॅक्टरनी आणि इतर मशीन्सने होते, म्हणून बैलांचा तसा उपयोग आज शेतीमध्ये तेवढासा राहिला आहे जो एकेकाळी होता। आणि ह्या बैलांच्या माध्यमातून जी शर्यत होते त्याच्यातनं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला सुद्धा हातभार लागतो। आज सुखद असा निर्णय आपल्याला आज तिथं उच्चतारेकडे झालेला आहे। देशामध्ये इतर राज्यामध्ये जशा प्रकारे त्या ठिकाणी सवलत आहे, तीच सवलत आता महाराष्ट्रातील त्या ठिकाणी ह्या बैलगाडी शर्यतीला मिळणार आहे, त्याबद्दल समाधान आणि हर्षोल्लास व्यक्त करतो। आणि संपूर्ण जनतेला सांगतो की न्यायालयावर विश्वास ठेवणं ही जी प्रथा परंपरा आली आहे ही तशा प्रकारची येणार असं म्हणतात ती कायम ठेवावी, अशा प्रकारचं मत व्यक्त करतो। पुनश्च सगळे जनतेचं आणि बैलगाडी शर्यतीमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचं मनापासून स्वागत करतो आणि समाधान व्यक्त करतो।